पांव के अंगूठे का नख जब भी काटो, उसको काटते समय कोई देखे ना, और दूसरा उसको कहां फेंका गया है उसका स्मरण परिवार के व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। कारण भविष्य पुराण कहती है, हमारे पैर के नख का अंगूठा का नख, पैर का जो अंगूठा है उसका जब हम नख काटते हैं और काटकर हम उसको फेंकते हैं, उस पर से जितने मनुष्य जितने जीव निकल कर जाते हैं, जितने जीव निकल कर जाएंगे, जितने मनुष्य निकल कर जाएंगे शरीर में, उतने मनुष्य को गिन लीजिए और उतने रोग इस मानव के शरीर में मृत्यु के पहले आते ही है, ये निश्चित है भविष्य पुराण के अंतर्गत। कई लोगों को बड़ा शौक रहता है पांव के नख काटने का, या माताएं तो हमेशा लगी रहती 24 घंटा वाय घसने में है। तो निवेदन है कि आप पांव के नख काटो, मना नहीं है, पर उस पांव का नख अगर कटा हुआ है, अंगूठे का नख अगर कटा हुआ है, उस अंगुष्ठ के कटे हुए नख को तुम कहीं गटर में, नाली में, कहीं किसी ऐसी जगह पटको जिस पर किसी का चरण ना आकर पड़े। जितना अगर कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति उस नख पे से निकल कर जाएगा, उतना शरीर में मरने से पहले जितने लोग लांग कर गए हैं उतना शरीर में रोग आएगा, ये निश्चित है। उस रोग को काटने, मरने से पहले